दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश सिंह आपका अवधेश एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे कार्य पर निर्धारित है। हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिए और हमें कौन से ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए, हम अपना फोकस किन कामों पर रखें और किन चीज़ों से अपना फोकस हटाएं जिससे कि हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ आ सकें, हम ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकें, हम ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट रह सकें, हम कैसे डिसाइड करें कि क्या करना कि चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम आप चर्चा करें। देखो, दुनिया में दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा कंट्रोल है, जो हमारी है, दूसरी ऐसी चीज़ जो दूसरों की है। तो सबसे पहले हमें ये डिफरेंस को समझना होगा। हमारी क्या चीज़ है? हमारे विचार अपने विचार। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उससे किसी को तकलीफ नहीं है, उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। हमारे एक्शन, वो हमारे एक्शन हैं। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ये हमारे हैं, इस पर हमारा कंट्रोल है। ये हम निर्धारित करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, हम ज़िंदगी में क्या परसूट करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। उसी तरीके से हम किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते हैं, क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ नहीं पसंद करते हैं, ये हमारे हाथ में है, क्योंकि ये सब हमारे दिमाग और दिल के अंदर है। लेकिन दूसरी तरीके की जो चीज़ें हैं, जो दूसरों के पास हैं, जैसे कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरे क्या चीज़ें पसंद करते हैं, क्या चीज़ें नापसंद करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी रेपुटेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि रेपुटेशन सोसाइटी डिसाइड करती है। हमने बहुत सारे अच्छे काम किए, किसी ने हमारे ऊपर एक झूठा आरोप भी लगा दिया, हमारी सारी की सारी रेपुटेशन ख़त्म हो सकती है। अब आप उसके लिए विचलित हो जाएं, ये उचित नहीं है, क्योंकि रेपुटेशन आपके द्वारा नहीं बनाई गई थी, तो लोगों के द्वारा आपकी रेपुटेशन बनाई गई थी, ये आपके हाथ में नहीं है। उसी तरीके से सफलता किसी भी चीज़ में हमारे हाथ में नहीं होती है। एग्जामिनर कौन है, हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, अगर वो हमसे बेहतर हैं तो वो सफल हो जाएंगे। तो उन चीज़ों पे जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, अगर हमारा फोकस कम हो या कम से कम हो तो बेहतर है, और उस चीज़ों पे जिस पे हमारा कंट्रोल है, जो हमारी हैं, उस पे हमारा एक्शन हो, उस पे हमारी अगर फोकस हो तो वो बेहतर से बेहतर है। अब ज़िंदगी में जो खुशी है और ज़िंदगी में जो दुख हैं, वो कहाँ से आते हैं? अगर हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारी हैं, जो हमारे कंट्रोल में हैं, तो आप देखेंगे आप दूसरों के अंदर कमियाँ नहीं पाएंगे। अब मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दूसरा आदमी सिगरेट छोड़ दे, वो नहीं छोड़ रहा है, हमें तकलीफ है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, कोई नहीं तकलीफ, मैं जिस दिन चाहूँ उठाया किताब पढ़ने लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ फला आदमी पढ़े, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे जो एक्शंस हैं, अगर हम उन चीज़ों पे रखें जिस पे हमारा कंट्रोल है, जो हमारी हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी दुनिया से, कोई दुख नहीं होगा दुनिया से, क्योंकि आपको दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। आपका सारा फोकस उन चीज़ों पे है जो आपकी हैं, आपके द्वारा की जाने। तो खुशी का मूल मंत्र है क्या? कि हम उन चीज़ों पर फोकस करें जो हमारी अपनी है, जो हमारे अपने कंट्रोल में है। उसके बाद में फिर हमें फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पे जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, वो आपके कंट्रोल में है, उस पर आपको सुधार करना चाहिए, उनको सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। जैसे अगर हम ऑफिस में एक बॉस हैं और कुछ लोग हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे कंट्रोल में हैं और हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि वो ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें, जो भी हम कर सकते हैं उनको कंट्रोल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो लोग हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में परेशान रहते हैं। अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। हमारा पड़ोसी क्या करेगा, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, तो हम उसके बारे में क्यों चिंता करें। उसके बाद में जो तीसरे लेवल पे है कि जो लोग हमारे इन्फ्लुएंस में है, कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रेम करते हैं, क्योंकि हमसे जुड़े हुए हैं। उनको हमें समझाने की कोशिश करनी चाहिए अगर हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ कुछ गलत कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम ऑफिस में हैं तो हमारे जो कोलीग्स हैं, हमारे जो बॉसेस हैं, हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, भले ही वो हमारे कंट्रोल में नहीं है,
तो हमें उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी चाहिए, सही रास्ते पर लाना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए, परसुएड करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं मानते कोई बात नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनको चेंज करने के लिए कहेंगे और वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन प्रयत्न हमको करना चाहिए। लेकिन इनके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उस पर हमें बिल्कुल समय जाया नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जो हमारे इन्फ्लुएंस में है ही नहीं, उस पर हम क्यों अपना समय व्यर्थ करें? जब हम उस पर अपना समय व्यर्थ करेंगे तो हम सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं पा सकते। इसीलिए एक बड़ा फेमस कोट है, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम पीपल, लोगों से आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें। जितना आप कम उम्मीद करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कम दुख होगा जब लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे या आपको निराश करेंगे। इस दुनिया में देखेंगे आप दुख का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम दूसरों से बहुत उम्मीद रखते हैं और दूसरे हमारी उम्मीदों पर जब खरे नहीं उतरते तो हमें बड़ा अफसोस होता है, हम बड़ा दुखी रहते हैं। उस पर आप ना फोकस करें। और एक बड़ी फेमस पोएट पोएम है जिसको सेरेनिटी प्रेयर कहा जाता है, मैं आपका चाहता हूँ कि उसको आप समझें और उसको अपने जीवन में उतारें, जिसमें कहा गया कि भगवान मुझे वो सेरेनिटी दो, शांति दो, समझदारी दो कि मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकूँ जिन्हें मैं चेंज नहीं कर सकता और उस पर हम समय व्यर्थ ना करें, और जिन चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ मुझे ये शक्ति दो कि मैं उनको चेंज करूँ, करेज टू चेंज द थिंग्स दैट आई कैन। क्योंकि जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं अगर हम उस पर चेंज नहीं करते हैं तो ये कायरता है। हम अपने अंदर अगर कोई सुधार ला सकते हैं, अपने बच्चों के अंदर सुधार ला सकते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स के अंदर कोई सुधार ला सकते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, या अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ कायरता है। तो हमारे अंदर करेज होना चाहिए कि जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं उनको हम चेंज करें, और जिन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिन चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में चिंता ना करें। और हमारे अंदर ये विजडम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस हम समझ सकें। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों पर अपनी एनर्जी लगाते हैं जिन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, जो चीज़ चेंज हो ही नहीं सकती हैं, तो वो सर जो है दिमाग दीवार से टकराने जैसा है कि अपना सर फोड़ेंगे, होगा कुछ नहीं। अगर आप इस बात को समझें अच्छे तरीके से तो आप ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें आपकी एनर्जी जाया हो, जिसमें आप सुख की जगह आपको दुख मिले। आप उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपके कंट्रोल में हैं, जो चीज़ें आपके इन्फ्लुएंस में हैं और जो आपकी अपनी हैं। और अगर आपकी सारी एनर्जी या ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इस पर फोकस रहेगी तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुशी पा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लेक्चर सुनने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपके दिमाग में कुछ और आइडिया हो, कुछ और सब्जेक्ट्स पे आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं और सेक्शंस और वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।